मेरा नाम निकिता वर्मा है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मेरे मॉडल का नाम इको फ्रेंडली थर्मस है। इस थर्मस को बनाने के लिए हमने घिया का प्रयोग किया है जिसका वैज्ञानिक नाम लिग्नेरिया सिसेरेरिया होता है। हमने एक सूखी हुई घिया का प्रयोग किया है जिसके अंदर से हमने बीजों को निकाल लिया है और वह घिया खोखली हो जाती है। इस घिया में उष्मा को रोकने के लिए हमने एक स्थानीय पक्षी के घोंसले का प्रयोग किया है जो कि उष्मा की कुचालक पड़ता कार्य की करता है। इसके अंदर हमने एक कांच की बोतल डाली और बया के घोंसले का उपयोग किया है। यह इको फ्रेंडली थर्मस गर्म पानी को मैक्सिमम 7 से 8 घंटे तक गर्म रखता है और ठंडे पानी को ठंडा रखता है। जैसे कि मार्केट में मिलने वाले सभी थर्मस बहुत ही महंगे होते हैं और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यह थर्मस बिल्कुल ही वैसा नहीं है। इसमें सभी कृषि अवशेष सामानों को प्रयोग किया गया है जो कि बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ यह पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और यह बहुत ही सस्ता साधन है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जा सकता है और इसकी लागत भी बहुत कम है। हल्का होने के कारण ये परिवहन में भी बहुत आसान है, इसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और यह इंस्पायर के सभी मानकों पर खरा उतरता है। और यह इको फ्रेंडली थर्मस बाकी थर्मस से बहुत अलग है, यह पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।